तो हे गाइस, कैसे हो आप सब बैंड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले आईफोन 13 में क्या सैटेलाइट कॉलिंग फीचर दी जा सकती है या नहीं। और अगर आपको ये बात पता नहीं कि सैटेलाइट कॉलिंग क्या होती है, तो ये वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए हम पहले बता देते हैं कि सैटेलाइट कॉलिंग आखिर होता क्या है, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सैटेलाइट कॉलिंग ये होता है कि आप इसमें बिना नेटवर्क के भी कॉलिंग लगा सकते हो, यानी ये सैटेलाइट से सीधा कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद दूसरे के साथ पहुंचा देता है। इसका मतलब आपके फ़ोन में अगर जीरो नेटवर्क से भी कम हो तो भी आप कॉलिंग लगा सकते हो एक दूसरे के साथ। एंड ये तो आपको पता चल ही गया कि सैटेलाइट कॉलिंग होता क्या है। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, वीडियो को लाइक करिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत तेज हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं आईफोन 13 में क्या मिल सकता है हमें सैटेलाइट कॉलिंग फीचर, जो बिना नेटवर्क के भी हमारा कॉलिंग होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आईफोन 13 सीरीज में सैटेलाइट कम्युनिकेशन फीचर दिया जा सकता है। एप्पल के पॉपुलर एनालिस्ट ने ये दावा किया है। उनका कहना है कि इसके लिए क्वालकॉम का चीपेस्ट कंपनी यूज करेगी। मेक रूमर्स की रिपोर्ट मुताबिक पॉपुलर एप्पल एनालिस्ट मिंग ची क्यू, ये एक नाम है मिंग ची क्यू, के मुताबिक आईफोन 13 में सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी जा सकती है, यानी इससे यूजर्स डायरेक्ट सैटेलाइट कॉलिंग कर सकते हैं। और ये मिंग ची क्यू एक नाम है, पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये एक नाम है। तो वो जो भी हो, हमें उसे कुछ मतलब नहीं। तो उसने कहा है कि इसमें दी जा सकती है सैटेलाइट कॉलिंग फीचर। एंड अगर आप आईफोन 13 सीरीज के मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो इसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी जा सकती है। ऐसे में नेटवर्क ना होने से भी आप कॉलिंग लगा सकते हैं, और ये दूसरे फ़ोन से बिल्कुल अलग होती है। जबकि यहाँ रेडियो का यूज किया जाता है, इसके जरिए सैटेलाइट्स कॉल होती हैं। और सैटेलाइट फोन्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आपका अगर नेटवर्क एकदम नहीं है तो भी आप कॉलिंग लगा सकते हो। और आईफोन 13 सीरीज में सैटेलाइट कॉलिंग फीचर होगी या नहीं, ये तो रिलीज डेट में ही पता चलेगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिसमें आईफोन 13 में ये खास फीचर दी जा सकती है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 13 में क्वालकॉम X60 चीपेस्ट का यूज़ किया जाएगा, जो फोन को लो नेटवर्क में भी सैटेलाइट से कनेक्ट करने की मदद करेगी। और अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, इसलिए थोड़ी देर और रुक जाओ, आईफोन के बारे में थोड़ा और ज्ञान ले लो। इस बार आईफोन में डिजाइन चेंज की उम्मीद नहीं की है, थोड़ा मैकवेयर जरूर मिलेगा, लेकिन आईफोन 12 के मुकाबले डिजाइन एकदम वैसे ही होगी, थोड़ा सा शायद चेंज हो सकता है। और लॉन्च डेट सुनना चाहते हो क्या, तो सितंबर में कंपनी इस 4 आईफोन 13 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च कर सकती है। इनमें आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स और आईफोन 13 मिनी शामिल होगी। हालांकि आईफोन 13 प्रो मैक्स में इनमें से सबसे महंगा होगा, और महंगाई होने के साथ साथ इसमें फीचर्स भी आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। हालांकि इन सभी 4 मॉडल्स में एक ही प्रोसेसर दिया जाएगा। एंड अभी तक आपने लाल वाला बटन दबाया नहीं है तो क्या कर रहे हैं, दबा दीजिए। एंड आई होप आपको ये आईफोन 13 वाला इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना।